वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। सो गाइस, अभी आप बताने वाले हैं कि टेकेस्टोमी कराने से पहले क्या क्या इंजेक्शन रेडी करना चाहिए। सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो होता है कि हमारा रेडी करना स्टार्ट होता है। और सारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं बता रखा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग जाइए चेकआउट करके, ताकि आपको भी पता चल सके कि टेकेस्टोमी कराने से पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, साथ में कौन से ब्लेड इंजेक्शन और साथ में स्ट्रक्चर क्या क्या रेडी करना होता है, कौन से डिस्पोजल हो गया, बाकी सारे कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। आप लोग जाइए पूरा वीडियो फुल देखिएगा। और हाँ, मैंने ऐसे ही वीडियो हमेशा आप लोग डालते भी रहता हूँ, तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी जाइए, लाल कलर जो बटन दिखाई दे रहा है अभी जाइए सब्सक्राइब करिए, और यहाँ बेल आइकन दबाना भूलिएगा, ताकि आपको भी नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी डालूँ आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए आप जाइए, वीडियो देखना पूरा लास्ट तक मत भूलिएगा। टेकेस्टोमी कराने के लिए क्या क्या तैयारी करना पड़ता है, तो दोस्तों भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ट्यूब रेडी करना होता है, तो 7-7.5 जो भी ट्यूब होता है वो रेडी करना होता है। पेशेंट को अगर लगा हुआ है तो पहले से देख लेना होता है, साथ में एक डिस्पोजल 10 ml का 5 ml का इस तरह का जैसे कि अभी देख रहे हैं, साथ में एक इथलॉन सूचर रखना होता है 15 ml का ब्लेड, और 2 gloves रखते हैं, एक गॉज पीस रखना होता है, एक सेक्शन कैथेटर जो कि 14 नंबर का मैंने ले रखा हूँ, बीटाडीन साथ में होना चाहिए, साथ में एक लॉक्स 2% रखना होता है, लोकल एनेस्थीसिया ये होता है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है रखने, और साथ में एक मिराज मैंने ले लिया हूँ, एक फेंटानील जो कि नारकोटिक ड्रग होता है, ये भी सेडेटिव के लिए होता है और रिलैक्स करता है, तो ये भी ज़रूरत होता है। टेकेस्टोमी कराने से पहले इतने कुछ रेडी करना होता है, उसके बाद ही टेकेस्टोमी कराना होता है। चलते हैं रेडी करते हैं। तो गाइस, मैं बता दूं अभी तक आपको वीडियो में क्या समझ में आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ लाइक कराना भूलेगा, साथ में जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में जितने लोगों को सबको शेयर करिए, ताकि सबको पता सके टेकेस्टोमी ट्यूब कराने से पहले क्या क्या रेडी करना चाहिए। और ऐसे ही वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलती रहेगी, तो आप लोग जरूर जाके सब्सक्राइब बटन दबाइए और सारे दोस्तों को शेयर करिए। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी मैंने डाल रखा हूँ, जिसमें आप मुझसे बात करना चाहते हैं आप बात करिए। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोगों को फैला दिए। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट जो ब्लॉग आने वाला है वो काफी अच्छा है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ रेडियोलॉजिस्ट के बारे में क्या क्या वर्क होता है, सीटी स्कैन क्या होता है, सारा कुछ बताने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।